सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, स्वागत है सबके एक और नए गेम प्ले वीडियो में। और आज हम थर्ड पर जाने वाले थे, मैं पैराशूट खोलने की कोशिश तो बहुत की पर खुला नहीं, नेट के प्रॉब्लम चल रहे हैं मेरे, इसलिए मैं भागते भागते आगे दौड़ के जाता हूँ। और तब तक एक बंदा मर भी चुका है भाई, फिर मैं यहाँ पर आके लूट भी करता हूँ। बंदे मरते जा रहे थे, मुझे लगा फिर नहीं मिलेंगे। फिर मैंने यहाँ से लूट भी की और चलता पड़ा उन घरों की तरफ। इस घर में तो कोई बंदा नहीं आता, जब मैं थर्ड हिल पे आता हूँ तब कोई बंदा नहीं आता, और जब मैं थर्ड हिल पर नहीं आता हूँ तो बहुत बंदे आते, मतलब क्या है नहीं बता सकता, कुछ अलग ही नशे भाई गेम की। मैं यहाँ से लूट भी करता और निकलता, और बीच में मैंने एक बॉर्ड भी मार लिया था। और मैंने सोचा ड्रॉप की तरफ, और मैं ड्रॉप की तरफ जा रहा था तब भी मेरा 400 का पिन आता है भाई। और केस करो मुझे ड्रॉप में से क्या मिलेगा, मतलब कौन सी गन मिलेगी मुझे। मैंने सोचा कि AW नहीं मिल जाए, मैं यहाँ से स्टंट करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे मेरे से स्टंट नहीं हो पाता। और फिर मैंने सोचा एग्जिट मार लेती हूँ गड्डी से, क्योंकि गड्डी की बस की नहीं थी इतनी देर के ऊपर चढ़ने की। फिर मैंने सोचा फिर से बंदा बिंदा होगा तो मार खिला देंगे, उसकी पसकी का कुछ मतलब ही नहीं हुआ। और मैं सोचूं ड्रॉप लूट लूँगी, पर देखो अब क्या होने वाला है मेरे साथ, क्या नहीं ये क्या है भाई, नहीं ये क्या है, मजाक चल रहा है मेरे साथ। और फिर मैं यहाँ से RPG उठा के चलता हूँ गाड़ी की तरफ, और मैं गाड़ी में बैठा तब भी देख रहा हूँ मेरा सिर्फ एक किल और 27 बंदे वाले सिर्फ। और मैंने सोचा गाड़ी में बैठ के हम भी बंदों को चलेंगे, सिर्फ एक किल, डबल डिजिट। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जानी चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे दो डॉप लिख के यहाँ पे आया और इस बंदे को ढिला दिया, मतलब 1 2 3 पूरे के पूरे मैंने 3 ड्रॉप लूटे। और मैं इस स्पॉट को मारने जा रहा था तब भी इस, आपको ये ब्रोकन वॉल दिखी, उसके पास एक बंदा दिखा। मैंने सोचा उसको मारे, और मेरे शैतान दिमाग में आया थोड़ी लूट कर लेंगे, मतलब थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा ना भाई। तो मैं यहाँ पे लूट करने में लगा, और M4 भी ले ली क्योंकि और हमारी बस की भाई कंट्रोल नहीं होती भाई मेरे से। और अब और इन्होंने मेरे हाथ छोड़ दिया, फिर मैंने इस बॉट को मार दिया। और ब्रोकन वॉल का पीछे का बंदा तो कहाँ पे हो गया, मैंने यहाँ पे 6x लगाया, उसको 3x में कर दिया, मतलब छोटा, बिल्कुल छोटा। और मुझे यहाँ पे थोड़ा उधर लगा लेंगे राउंड, क्योंकि बंदे किले नहीं थे भाई, सिर्फ 14-13 बंदे हैं अलग, और हमारे सिर्फ 3 किलो हुए। मुझे लगा इस नीलो वाले घर में बंदे होंगे, मैंने फर्स्ट एड स्किल करने की कोशिश की पर बंदे नहीं थे। फिर मैं यहाँ से निकला और निकल गया से, और मैं सिर पर निकलते मस्त गाना बजा रहा था। फिर वहाँ पे मैं रुका, क्योंकि वहाँ से गन फायर की आवाज़ आ रही थी, और मैंने देखा वहाँ पे एक बोट है, बस के पीछे, वो बस के पीछे दिख रहा है आपको, मुझे लगा रियल प्लेयर भी लगता है, और रियल प्लेयर नहीं था, बोट था भाई, इसलिए मैंने उसको खिला लिया। उसी के साथ अपने 4 किल पूरे हो जाते हैं। और मैंने सोचा यहाँ पे कवर बना लगी गाड़ी में फोड़ के, और क्या गाड़ी फोड़ने का कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि जो अपने पहले मेरे लेने वाला है, क्योंकि जो ना हमारी पुरानी दुश्मनी है। देखा मुँह पे भाई, मुँह पे मेरे आपका गोला आया, गोला। फिर मैंने सोचा यहाँ से गाड़ी उठा लेंगे और जाएंगे बंदों को ढूंढने उल्टे, पर बंदे तो नहीं मिल रहे। अब फिर मैच में अब 12 बंदे आ लेंगे, अपने कितने किल निकलेंगे, आधे तो निकल ही जाएंगे है ना, लगता है नहीं।
यहाँ पे बीआरडीएम खड़ा था, मुझे लगा यहाँ पे बंदा होगा। मैंने यहाँ पे देखा तो उसकी थोड़ी गन रीच हुई, मैंने सोचा उसके पास स्टोल की होंगी तो मैंने कर लिया, फिर उसे मारा पर उसके पास थी रही M4। तो मुझे लगा यहाँ पे मेरे 6 किल हो चुके, पर नहीं भाई, मुझे 5 ही किल मिले हैं। फिर मैं यहाँ से बीआरडीएम उठाता हूँ और बंदों को ढूंढ तलाश में निकल जाता हूँ। तो भाइयों देखना आगे क्या होगा, क्या होता। मैंने यहाँ पे एक प्रो मिला, नाम से तो सारे बोर्ड दिखते पर नाम तो अच्छे अच्छे रखते। मुझे लगा गाड़ी में बंद होंगे तो मारेंगे, फिर मुझे घर से पूछते पाते दो। फिर मैंने ऊपर देखा, इधर मुझे कोई बंदा नहीं मिला, तो मैंने सोचा और ऊपर देखेंगे। तो जी इस बंदे के पास थी स्टोल की और अपने पास थी RPG, तो चल भी किया। जी भाइयों आपका भाई ही जीतने वाला है RPG से। ऑफकोर्स RPG इज बेस्ट अगेन स्टोल की, आया समझ में कुछ नहीं। और RPG कभी कभी धोखा दे जाती है, उसका एम यहाँ सेट करो ना तो इधर चला जाएगा, और इधर सेट करो तो यहाँ चला जाएगा, अपने पास ही फूट जाएगी, मतलब समझ रही हो ना। या फिर मुझे लगे ये भी प्रूफ, पर नहीं भाई RPG की बुलेट यूज़ नहीं करेंगे। इस बंदी को मैंने गन से ही ठेला डाला और मैंने इसकी स्क्रेट लूट ली, और मैंने सोचा BRDM लेके पूरा मैप में चक्कर लगा लेंगे, पर या फिर कोई बंदा नहीं मिलता मुझे। तो अब हम पीर से पीले घर की तरफ जाते हैं, जाके देखेंगे। नहीं ये पहली बार जाते हैं ना पीले घर की तरफ, हाँ लगता तो ऐसा ही है। हाँ फिर हम पीले घर की तरफ जा रहे हैं, फिर देखना भाई हो। पर भाई यहाँ पर तो कोई नहीं, हमारा टिकट हो गया। मुझे उसके मतलब पता ही कुछ भी नहीं आया, पर मेरा फ्रेंड्स बोला कि उधर बंदा होगा, और देखो छोटा छोटा बंदा दिख रहा है क्रॉस होते हुए, दिखा आपको? दिखा जी हाँ आपको, तो दिख चुका होगा वो नीले घर में गया है। और हम मुझे लगा प्रो पहले, इसलिए हम जाएंगे बहुत ही थे मार देंगे। और अब हम लास्ट वाला बंदा मर चुका था, और यहाँ पे मैं उस बंदे को M4 से ठिलाने वाला था, तभी मेरा भाई बोला पैन का किल कर लेंगे भाई, चिकन एक्सपर्ट भी हो जाएगा उसी के साथ। फिर पैन लेके उसकी तरफ बढ़ता हूँ, उसके पैन छापता हूँ, और फिर दूसरा ही छापा पर क्यों नहीं लगा एक्सप्लेन। फिर मैं ऊपर जाता हूँ, मुझे लगा ऊपर बंदा है, उसके पीछे वही दिख रहा था, मैंने सोचा उसको इधर ही लॉक करेंगे, पर नहीं भाई इसी के साथ अपना विनर किचन डिनर हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना। और यहाँ पे हमारा चिकन एक्सपर्ट टाइटल भी हो जाता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो आज यही एंड करेंगे, तब तक के लिए बाय। तो चलो मित्रों वीडियो को आज यही पर एंड करते, तब तक के लिए बाय।